तो सबकी सोच सोच के जान ही सूख गई। तू कहाँ है, किस हाल में है? मुझसे गलती हो गई माँ, लेकिन मुझे क्या पता था? हम लोगों के साथ भी ऐसा हो जाएगा, कभी ना सोचो था। मैं बहुत डर गई थी माँ, बहुत डर गई था। बेटा अक्षरा, बेटा ज्यादा मत सोचिए, भूल जाइए सब कुछ, जो हो गया तो हो गया बेटा। हाँ बेटा। बहु कुशल पूर्वक घर आ गई है, हम लोग आने भगवान का शुक्र करना चाहिए। लीजिए भाभी खाना खा लीजिए। ले बेटा, आप लोगों ने भी तो कुछ नहीं खाया होगा, आप भी खा लीजिए। भाई नंदनी की माँ, मैं भूख तो मने भी लागी है। मैं लगवाती हूँ सबके लिए खाना। हाँ बेटा तू खा के आराम कर। मुन्ना ध्यान रखना बहू का। मैं खाना लगवाती हूँ। चल रश्मि चल। ऐसा कर, पहले थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद में खा लेना। ठीक है आइए। शरा ये क्या, आप उठ गई? आपको तो आराम करना चाहिए। मेरी नींद खुल गई नैतिक। चलिए क्या कर रहे नैतिक? आपको फिर भी सो जाना चाहिए। चलिए नैतिक छोड़ जाइए, लेट जाइए। नैतिक मुझे अभी नींद नहीं आएगी। शरा आपको अंदाजा भी है कि आप कितना थक गई, चलिए नींद आ जाएगी। देखिए अच्छा ठीक है, मैं बाद में आ रहा। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना है, अभी आपको पूरा रेस्ट लेना चाहिए, अपने लिए ही नहीं इसके लिए भी। सो जाइए। शुक्र है अक्षरा सही सलामत घर पहुंच गई। अब उसे खूब आराम मिलना चाहिए, बहुत बुरे समय से गुजरी है मेरी बच्ची। धनिया जल्दी एक वर्षा भाभी तैयार हुई है कि नहीं? और अनन्या के और कपड़े लेती है जी। ये अरे वर्षा नहीं आई, क्या हुआ माँ? उसे आज कॉलेज जाना है ना। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, वो तो ऊपर अपनी अलमारी सेट कर रही है। धनिया जरा जल्दी उसे बुला लाओ, मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ। जी ऐसे कैसे भूल गया तू? जा वर्षा से कह कि ये सब काम छोड़े और पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाए, केवल 2 महीने तो बाकी है। अनन्या को तो मैं संभाल लूंगी, हम दोनों तो आपस में बहुत खुश रहते हैं, है ना? मेरी गुड़िया रानी। अरे आपने अनन्या को तैयार कर दिया, मैं इसे तैयार करने वाली। वर्षा क्या हुआ, आज कॉलेज है ना तुम्हारा? अच्छा तू कॉलेज नहीं जा रही है क्या? उमा मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्या क्या बात है बेटा? वो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब मुझे कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ पायल मैं अपना ध्यान रखूंगी। ओके चलो बाय। बहुत अच्छी लड़की है बेटा, कल तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, हम लोगों का भी बहुत ख्याल रखा। नहीं हाँ भाभी माँ, ऐसे समय में ही पता चलता है कौन अपना है कौन पराया। भाभी ये देखिए कितने क्यूट है ना। हाँ और ये देखिए कितना क्यूट है। बहुत प्यारे है, मैं जाकर इन्हें आपके कमरे में लगा दूँ। कहते हैं गर्भवती महिला बच्चों की तस्वीरें देखें तो उसका मन प्रसन्न रहता है। रमा बहन का है,